हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। और आज हमारी रसोई में बन रहा है मेथी का थेपला। तो इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं देख लेते हैं। ये है करीब 2 कप मल्टीग्रेन आटा है। यहाँ लिया है 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1.5 कप बारीक कटे हुए मेथी के पत्ते, इसे मैंने अच्छी तरह धोकर कट किया है, 2 स्प्रिंग अनियन का ये ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट, 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, ये करीब 1/2 कप फ्रेश दही है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 छोटा चम्मच अजवाइन मंगरेल, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 चुटकी हींग, 2 छोटा चम्मच का ये है कांदा लहसुन मसाला, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हम तेल भी डालेंगे मोइन के लिए। तो सबसे पहले हम ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मसाले भी इसमें डाल ही लेते हैं। सभी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। दही भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी या रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल भी मैंने अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थेपले के लिए सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। डो हमारा रेडी है। वापस से हम अपने यहाँ थैलियों पर थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को गूंद लेते हैं। डो हमारा रेडी है। 15 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट करते हुए। चलिए अब पराठे तैयार करेंगे। यहाँ ना मैंने पराठे के साथ खाने के लिए प्याज की चटनी पीस ली हुई है, ये स्प्रिंग अनियन की है। और साथ ही साथ इस थेपले में स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे पनीर को ग्रेट कर लिया हुआ है। यहाँ मैंने पनीर में कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो इसमें इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें चाट मसाला और कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं इन पराठों को पैन में ही बना रही हूँ। पैन गर्म हो चुका है। अभी मेरे हस्बैंड ना आए और इस थेपले को देखकर कह रहे हैं थेपला क्या इतना मोटा होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। यहाँ मैं पनीर स्टफ करके बना रही हूँ। चलिए ये थेपले दोनों तरफ से अच्छी तरह सीख चुके हैं। अब इसमें हम तेल लगाएंगे। वापस से मैं सरसों का तेल ही यूज कर रही हूँ। और फिर से मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज करिए या देसी घी का यूज कर सकते हैं। थेपला हमारा अच्छी तरह बिल्कुल सिक चुका है। चलिए इसी तरह दूसरा थेपला भी तैयार करेंगे। हमारा दूसरा थेपला भी रेडी है। चलिए अब इसे सर्व कर लिया जाए। तो बस ये हमारा थेपला और चटनी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड आई होप आपको मेरे इस थेपले की
सिंपल सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।